हम लोग लद्दाख भी जाते हैं। हाँ। लद्दाख मतलब पूरा ओलंदिया घूमते हैं हम लोग। तो मैं गणेश भैया से बात कर रहा था और बात करते करते इन्होंने बताया कि मैं बिहार से हूँ और मैंने बताया कि मैं रांची वाची मेरा जाना आना लगा रहता है और बस यही यही बातें चल रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप ना किसी को बोलेंगे कि आप नेपाल से हैं ना तो वो मान जाएगा। तो भैया हंसते हैं अभी पीछे हंस रहे हैं और ये दिखाता हूँ और भैया मैं बोला क्यों हंस रहे हैं। फिर भैया बोलते हैं मैं नेपाल बॉर्डर से हूँ। मैं इतना ज़ोर से हंसा था मतलब हम मतलब ये मोमेंट बहुत अच्छा था कि भैया मैं भैया बोलते हैं कि मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं रहता हूँ नेपाल बॉर्डर से। उससे पहले मैं बोला कि भैया आप नेपाली लग रहे हैं तो ये अच्छा है मतलब भैया की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और मुझे इनसे बात करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आज हम रायपुर में है तो हाइलक्स का एमन कर रहा हूँ। मत इसके बाद ब्रह्मपुर जाएंगे उसके बाद फिर पटना जाएंगे फिर उड़ीसा जाएंगे उसके बाद फिर बिहार घुसेंगे। इस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है, एंजॉय हो जाता है, दुनिया भी घूमता हूँ सैर भी करता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं हाइलक्स पे ऑफ रोड करने वाला हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये नॉर्मल ट्रैक है बस एक दो जगह पे थोड़ा सा मेरे लिए टफ है और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यह टफ चीज़ों को भी मैं आराम से पार कर पाऊंगा। अभी मैं एक ऐसा इवेंट पे आया हूँ जहाँ पे टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई है और स्पेशली हाइलक्स, और हाइलक्स मेरी पर्सनली फेवरेट गाड़ी है, आप लोगों को ये पता होगा और ये काफ़ी अच्छा मौका है। मैं चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ के ट्रैक। यहाँ पे चार ऑब्स्टिकल है और स्टार्टिंग में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में नॉर्मल ड्राइव करा था, शुरू में यहाँ के जो नॉर्मल ट्रैक है उसमें मैंने ड्राइव करा। उसके बाद सबसे पहला ऑब्स्टिकल थोड़ा सा मज़ेदार था और नॉर्मल था, वहाँ पे गाड़ी लाइक जिग जैग की तरह वहाँ से क्रॉस हो रही थी। तो यहाँ पे डायगोनली व्हील्स जो है वो आपके रैम्स पे होंगे और जो ऑपोजिट है दी अदर डायगोनल सेट दैट विल बी सस्पेंडेड। और पहले ऑब्स्टिकल में ऐसा था कि शुरू में सामने की टायर गई, उसके बाद पीछे की टायर राउंड होने लगी। तब मेरे साथ जो हमारे जो को पायलट थे उन्होंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको 4x4 लेना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो हमने 4x4 लिया, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑब्स्टिकल पार किया। उसके बाद सेकंड ऑब्स्टिकल में हमारी जो टोयोटा हाइलक्स थी वो बिल्कुल कर्व हो गई थी। कर्व इसलिए हो गई थी क्योंकि वहाँ के ट्रैक थोड़े से कर्व वाले थे और वो मेरा एक्सपीरियंस मज़ेदार था क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं लाइक ऐसा हो गया था, एक साइड हम ऊपर की तरफ हो गए थे और एक साइड हम नीचे की तरफ हो गए थे और वो काफ़ी मज़ेदार था। उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ से 4x4 का आपको टैप करना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे 4x4 के बारे में बताया। उसके बाद जस्ट थोड़ी दूर आगे गए, जो चारों व्हील थे वो राउंड हो रहे थे और तो ये मेरा नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते गए। उसके बाद जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था उस पर शुरू में मैंने सोचा कि ये क्या मुझसे हो पाएगा, तो उन्होंने मुझे को पायलट ने मुझे स्टार्टिंग में समझा दिया कि आपको कैसे करना है।
और उन्होंने स्टेयरिंग पे अपना हाथ रखा ताकि स्टेयरिंग ज्यादा राइट या लेफ्ट ना जाए। उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल में चल रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि स्टेयरिंग होते हैं हल्के हल्के राइट या लेफ्ट जा रहे होते हैं। तो उन्होंने स्टेयरिंग पे अपना हाथ रखा और उसके बाद हमने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्रॉस करा। ऑब्स्टिकल के टॉप में जैसे हम पहुंचे, टॉप में पहुंचने के बाद मुझे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था और उनको मैंने बताया कि इतने ऊपर आने के बाद कुछ दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप हल्का सा ब्रेक पे पैर रखें और फिर आगे धीरे धीरे स्लो स्लो नीचे लेकर के जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जहां से ब्रेक हटाना है वहां से गाड़ी खुद ब खुद आगे चलते जाएगी। भैया हैं, हम लोग ट्रैक के नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा धूप है। तो हम लोग ट्रैक के नीचे बैठे हैं और गणेश भैया टोयोटा के साथ में हैं और जहाँ पे भी ये इवेंट होता है वहाँ गणेश भैया इवेंट के साथ में जाते हैं। तो गणेश भैया से हमारे भी बात हो रही थी और मैंने गणेश भैया से काफी सारा उनका एक्सपीरियंस लिया, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। इनके साथ बात करके बहुत ज्यादा मजा आया और ये है कि भैया का एक्सपीरियंस मुझे मिला। आपको बताना चाहूँगा ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में हम बहुत अच्छे वाले ऑफ रोडिंग पे जाएंगे। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग। वो रिकॉर्ड कर लेगा हम लोग को, जो जैसे वो वीडियो बनाऊंगा ना तो उसके बीच में उसको डाल दूंगा ताकि लगे कि हम आपस में बात कर रहे हैं। बॉडी वाली अच्छा बनाएंगे, पल्से वगैरह अच्छा दिख रहा है।